हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब दो टॉपिक्स कवर करेंगे। दे आर ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी एंड स्किप डिस्टेंस। सो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी से पहले हमने दो और फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा एंड दे वेयर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक और है ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिमम जैसे नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है, एक पर्टिकुलर लेयर के लिए जैसे अपन ने देखा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। सिमिलरली लेयर की हाइट, लोकेशन ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर्स, इन सब के अकॉर्डिंगली हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली एंड लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली। बट जो हमारा बैंड है उसमें एक फ्रीक्वेंसी, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिस पर हमें रिसेप्शन ऑप्टिमम मिलेगा, राइट? अगर उससे हमने ज्यादा वेरी किया तो हमारे रिसेप्शन में एरर आने लगेगी। ओके, सो ऑप्टिमम रिसेप्शन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम चूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज 20% बिलो द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। सो द डेंसिटी एंड द हाइट ऑफ लेयर द डिपेंड्स अपॉन सनलाइट, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, क्योंकि सनलाइट मीन्स आयोनाइजेशन। ओके, तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा इट मीन्स डेंसिटी भी वेरी करेगी। जैसे जैसे हमारा डे टाइम चेंज हो गया सनलाइट वेरी करेगी। सो सिंस डेंसिटी चेंज हो रही है इट मीन्स मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी इट मीन्स ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी बिकॉज इट इज 20% बिलो द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन या रिसेप्शन मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से 20% स्लाइटली स्मॉलर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस जैसे मैंने आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए बताया कि अगर हमारा जो ट्रांसमीटर है सिग्नल जो रेडिएट कर रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड सिग्नल बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेयर देन व्हाट हैपेंस, सिग्नल पेनिट्रेट करके चला जाता है। कब? लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जब एंगल मतलब जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो वर्टिकल एंगल पर है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा वो वर्टिकल है या 0 डिग्री का है, वर्टिकल हमारा है ट्रांसमिशन है। ओके, इस कंडीशन पे। बट अगर इफ यू चेंज द एंगल, राइट, ये जो हम जिस एंगल से ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को, इफ यू चेंज दैट एंगल, हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एंगल बाय अल्फा। तो अगर हमने अल्फा को चेंज किया और अगर हमने फ्रीक्वेंसी हायर रखी है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से भी हायर है, तब हमें क्या होगा, हमने क्या किया, एंगल चेंज कर दिया है। तो इस वजह से हमें इस कंडीशन में भी रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था पहले कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से हायर है तो हमने देखा सिग्नल ऐसा पेनिट्रेट कर रहा था, राइट? ये इसके लिए हम समझने के लिए इस तरह समझेंगे कि हमारा वर्टिकल इंसिडेंस है, मीन्स सिग्नल इस तरह से जा रहा है। तो इस केस में हमारा ये सिग्नल पेनिट्रेट कर गया, क्यों? क्योंकि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से हायर थी। यहां पर क्या कंडीशन है, एफ इज ग्रेटर देन एफ सी। बट अगर हमने ये एंगल इस तरह से चेंज किया, देख रहे हैं आप, ये एंगल अल्फा है, तो क्या होगा, सिग्नल उस लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में ये, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एन नॉट। व्हाट इज एन नॉट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स associated with the maximum electron density, right? उस layer में जहां maximum electron density है उस condition में refractive index कितना है, ये हमारा relation, ये necessary condition होगी reflection के लिए। कब? अगर हमारा signal की frequency, ये हमारी critical frequency से increase होती है तो। So इस case में क्या होगा, there will be no sky wave energy being returned to earth closer to the transmitter than a range referred to as the skip distance। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम में बताया कि अगर हमने ये एंगल चेंज किया अल्फा, अब इस केस में अल्फा कितना था, जीरो था, यहां पर अल्फा नॉन जीरो है, हमने थोड़ा इंक्रीज किया, तो इस केस में हमें रिफ्लेक्शन मिला। तो रिफ्लेक्शन के लिए यहां ट्रांसमीटर लगा है, अगर हमने यहां पर रिसीवर प्लेस किया तो हमारा ये हमारी ये सिग्नल है जो रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर पर आया है, राइट? ये जी, इस जो डिस्टेंस है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच में हमें कुछ भी एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, राइट? सो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस, राइट? ये है, सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर वेयर द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव रीचेस टू ग्राउंड। ये डायग्राम देखिए, इसमें यहां पर हमने ट्रांसमीटर को प्लेस किया, ये ग्राउंड है, यहां से
तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी हायर है, एंगल स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में रे पेनिट्रेट होकर के एस्केप कर जा रही है। बट अगर हमने एंगल चेंज किया, इंक्रीज किया, तो आयनोस्फीयर से सिग्नल देख रहे हैं आप, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर पहुंच रहा है। तो वो पॉइंट जहां पर हमें फर्स्ट वेव रिसीव होती है, तो उस कंडीशन में ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस, राइट। सो ये जो स्किप डिस्टेंस है, ये 1700 किलोमीटर से ई लेयर्स के लिए, मतलब अगर हम कम्युनिकेशन ई लेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो रे हमें मिलेगी अर्थ पर ट्रांसमिटर से, वो हमें 1700 किलोमीटर अवे मिलेगी। सिमिलरली एफ लेयर के लिए इट इज 3300 किलोमीटर। थैंक यू।